चलिए आज आप पढ़ेंगे DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसमें कौन कौन से कमांड्स आते हैं DML में। सबसे पहले DML में कमांड है यहाँ अपडेट सेट DML में पहली कमांड अपडेट सेट। दिस कमांड इज यूज टू चेंज द एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ एनी ट्यूपल इन ए रिलेशन यूजिंग द सेट कीवर्ड। अगर हमें किसी का डेटा अपडेट करना होगा डेटाबेस में किसी का डेटा अपडेट करना होगा, फॉर एग्जांपल किसी का रोल नंबर चेंज हो गया, किसी के मार्क्स चेंज हो गए, किसी की रेजिडेंस चेंज हो गई, ठीक है, किसी के नेम में एरर थी वो ठीक करनी थी, उसके लिए हम क्या करते हैं अपडेट सेट इस्तेमाल करते हैं अपडेट सेट कमांड। To understand the use of this command, consider the following relation. Table name क्या student? इसमें ये रोज हैं, ये रोज हैं कॉलम, टेबल ऐसा है क्या, इसमें कौन कौन सा, एक है इसमें सीरियल नंबर SNO, एस नेम, स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, मार्क्स। जो सीरियल नंबर मैंने लिखे हैं S1, S2, S3, S4, S5। फिर है एस नेम, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, स्क्रीन पूछा हम, स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है मेरी? यस सर। ओके, फिर एस नेम, एस नेम के नीचे में नाजिया, मुस्कान, महक, सदा, बिल्किस। फिर क्लास 12 11 11 12 12। फिर सेक्शन ABACD। फिर मार्क्स 500 450 550 to 300 510। ये मैंने डेटाबेस बनाया है स्टूडेंट्स की, फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाया है, नाम क्या है, क्लास क्या है, सेक्शन क्या है, मार्क्स क्या है। ओके, अगर मैं एक कमांड नीचे लिखूं, ये कमांड लिखूं अपडेट स्टूडेंट, हो गई कमांड का नेम, स्टूडेंट हो गया टेबल का नेम, टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट, इसलिए मैंने क्या लिखा स्टूडेंट अपडेट स्टूडेंट। अगर टेबल का नेम होता एम्प्लॉई तो मैं क्या लिखता अपडेट एम्प्लॉई, ठीक है, जो टेबल का नेम होगा। सेट भी कीवर्ड है, फिर सेट लिखना है एस नेम यानी कॉलम का नेम, ठीक है, कौन सा एस नेम यानी मुझे कौन सा कॉलम ढूंढना है, इसमें कितने कॉलम है, 5, SNO, एस नेम, क्लास, सेक्शन, मार्क्स। मैंने कौन सा कॉलम ढूंढा एस नेम में क्या करना है, एस नेम इक्वल टू हिना वायर SNO इज इक्वल टू S5। इसका क्या मतलब है एस नेम हिना, एस नेम क्या लिखो हिना, नाम क्या लिखो हिना, कहाँ वायर SNO इज इक्वल S5, यानी S5 की जगह क्या था नेम, एस नेम ऊपर, S5 की जगह क्या नाम था एस नेम में, S5 जब पूछा तो S5 इंद्र खजम सर ने S5 देखते हो, S5 है ना सर, स्क्रीन आया क्या किया, जूम में कर, जूम इन करूं आप, ठीक है, नहीं क्यों नहीं दिखाई नहीं देता है आपको, थोड़ा बारीक दिखाई दे रहा है, कुछ ही नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, बताओ ज्यादा जूम किया है, बड़ा आता है, मतलब थोड़ा सा ही दिखता है, आप देखो आप, ठीक है, अब बताए दिखाई देता आप क्लियर, बात करो, जब तक ये दिखाई नहीं देगा आप कुछ नहीं समझ,
आप कुछ नहीं समझ पाओगे। मैं दोबारा ये करूंगा, ये शेयर नए सिरे से शेयर करूंगा। अब ठीक है? यस सर, यस सर। एक मिनट रुकना। अब क्लियर है ना? इज इट क्लियर नाउ? जी ओके। मैं सर। हाँ अपडेट सेट कमांड की बात की, डीएमएल कमांड है, डीएमएल क्वेरी है, ये कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। अपडेट सेट इस्तेमाल करते हैं अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी टेबल बना हुआ है, उसमें रिकॉर्ड्स हैं, सब कुछ है। अगर हमें किसी रिकॉर्ड को चेंज करना है, किसी का नाम चेंज करना है, किसी का रोल नंबर चेंज करना है, जो भी डेटाबेस में होगा, तो हम कैसे उसको चेंज करेंगे, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अपडेट सेट कमांड। ठीक है, यहाँ ऊपर टेबल दिया हुआ है, इसके कॉलम्स क्या हैं? एस एन ओ, एस नेम, क्लास, सेक्शन, है ना? जो टेबल दिया हुआ है, एस एन ओ, एस नेम, क्लास, सेक्शन। एस एन ओ के नीचे एस वन, एस टू, एस थ्री, एस फाइव तक है। एस नेम के नीचे नाइजिया, मुस्कान, महक, सदा, बिल्किस है। क्लास के नीचे है 12, 11, 11, 12, 12, सेक्शन ए, बी, ए, सी, डी। ये क्लियर है यहाँ तक? यानी टेबल मैंने बनाया ऑलरेडी। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो बिल्किस है, इसका नाम बिल्किस नहीं था, ये गलत हुआ था, तो मुझे इसकी जगह हेना लिखना है, इसका नाम था हेना। बाकी सब ठीक है, यानी सीरियल नंबर भी यही है एस फाइव, क्लास भी यही है, सेक्शन भी यही है, मार्क्स भी यही है। लेकिन मुझे क्या करना था, बिल्किस की जगह मुझे क्या लिखना है, हेना। तो मैं क्या करूँ, मैंने अपडेट, अपडेट स्टूडेंट, अपडेट हो गई कमांड, स्टूडेंट है इस टेबल का नाम, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट इस टेबल का नाम है। सेट, सेट भी कमांड हो गई। एस नेम, एस नेम यानी जो मुझे चेंज करना है, मुझे क्या करना है चेंज, एस नेम के नीचे मुझे नाम चेंज करना है। एस नेम इक्वल टू हेना, यानी उसको बोलते हैं कंप्यूटर को, एस नेम के नीचे जहाँ हेना है, जहाँ एस नेम के नीचे है वहाँ हेना लिखो। किस जगह? वैसे एस फाइव, किसके सामने? जहाँ सीरियल नंबर क्या है एस फाइव, एस फाइव देखिए, यहाँ एस फाइव के सामने क्या है, बिल्किस, है ना? एस फाइव के सामने क्या है, बिल्किस लिखा हुआ, यानी बिल्किस की जगह क्या आएगा, हेना लिखा हुआ। ठीक है, यानी जो मुझे नया टेबल बनेगा वो नीचे जो मैंने लिखा ऐसा होगा, यानी ऐसा नीचे जो नया टेबल बनेगा चेंज करने के बाद, एस एन ओ, एस वन, एस टू, ये रहेगा, यहाँ आएगा नाजिया, मुस्कान, महक, सर, और हिना आ जाएगा, यानी बिल्किस की जगह क्या आएगा, हिना, और कोई चेंज इसमें नहीं होगी। ठीक है, अगर मुझे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे नाजिया का क्लास गलत हुआ है, नाजिया का क्लास मैंने लिखा 12, है ना? अगर मुझे नाजिया का क्लास 11 लिखना है, तो मैं क्या लिखूँ उसके लिए कमांड? बोलिए, अगर मुझे नाजिया का क्लास 12 लिखा है, ये मुझे 11 बनाना है, ये 11th की स्टूडेंट है।
मैं क्या लिखूं वहां, अपडेट स्टूडेंट सेट सेट क्लास इक्वल टू 11, सेट क्लास इक्वल टू 11 वायर एस एन ओ इज इक्वल टू S1, है ना। ये हो गई एक कमांड। दूसरी इसी तरह इंसर्ट कमांड, इट इंसर्ट न्यू ट्यूपल्स इन ए रिलेशन, इससे हम रिलेशन में नए ट्यूपल्स ऐड करते हैं। अगर हमें कोई नया ट्यूपल ऐड करना है यानी डेटाबेस को एक और रिकॉर्ड ऐड करना है, तो हम उसके लिए इंसर्ट इस्तेमाल करते हैं। इट इज फॉर्मेट इज इंसर्ट इनटू, पहले क्या लिखना है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर टेबल नेम लिखना है, टेबल का नाम क्या है, फिर कॉलम 1 2 कितने कॉलम ऐड करने हैं, जितने कॉलम उसमें होंगे, यहाँ इसमें 1 2 3 4 5 कॉलम है मेरे टेबल में, एस एन ओ एस नेम क्लास सेक्शन और मार्क्स, मार्क्स साइड में वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। वैल्यूज, फिर वैल्यूज लिखने हैं, क्या क्या इसमें डालने हैं, एक्सप्रेशन सेलेक्ट क्यूरी, हियर द कॉलम नेम इज ऑप्शनल, कॉलम नेम क्या है, ऑप्शनल, कॉलम दे भी सकते हैं नहीं दे भी सकते हैं, तब ये ऐड होगा। एंड यूज इट ऑनली इफ यू वांट टू इंसर्ट वैल्यूज इन ऑनली ए फ्यू कॉलम्स, ये तब जरूरी है जब आपको किसी कॉलम में वैल्यू डालना है किसी में नहीं डालना है, तब हमें लिखना है किस किस में वैल्यू डालना है। अगर हमें सब में वैल्यू डालने हैं तो फिर कॉलम नेम लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन द रिलेशन टेबल, रिलेशन स्टूडेंट, अगर ये टेबल स्टूडेंट है, यहाँ वहाँ क्या S1 S2 S5 वहाँ था नाजिया मुस्कान महक सद बिल्किस क्लास सेक्शन और ये हो गया मार्क। अगर इसमें एक स्टूडेंट इसमें ऐड करूँ तो कैसे इसमें एक स्टूडेंट और एक ऐड करूँ, इंसर्ट स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट यानी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट का टेबल का नाम है। वैल्यूज, वैल्यूज क्या देना, S6 यानी पहले में क्या आएगा, S1 के नीचे क्या आएगा, S6 नाम के नीचे क्या आएगा, S1 के नीचे साइमा, क्लास नीचे क्या आएगा 11, सेक्शन नीचे क्या आएगा A और मार्क नीचे क्या आएगा 490। अब ये कमांड लिखो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज S6 कॉमा साइमा कॉमा 11 कॉमा A कॉमा 490 विल यील्ड द फॉलोइंग, तो मुझे जो नया टेबल बनेगा वो ऐसा होगा। देखिए अब इसमें ऐड होगा एक और S6 साइमा 11 A और यहाँ साइड में मार्क, ठीक है। यानी आज आपने सीखा कैसे हम एक वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं टेबल में और कैसे हम टेबल में एक वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे फॉर यहाँ मैंने लिखा S6 साइमा 11 A कॉमा 490 यानी हर एक में वैल्यू चला गया, S6 यहाँ आ गया पहली सेल में, दूसरे में आ गया साइमा, जिसमें आ गया 11, चौथा में आ गया A, पांच में आ गया 490 आ गया। अगर मुझे सारे वैल्यूज नहीं डालने हैं, सारे वैल्यूज नहीं डालने हैं, तो उस वक्त मुझे कॉलम नेम भी साथ साथ लिखना है, किस कॉलम में डालना है किस में नहीं डालना है। मैं रिपीट करता हूँ, जो हम आज से शुरू कर रहे हैं ये हैं DML कमांड्स। DML कमांड्स में सबसे पहले हम अपडेट सेट कमांड पढ़ेंगे। ये कमांड हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी डेटा होगा, ऑलरेडी टेबल होगा, ऑलरेडी रिलेशन होगी, तो उसमें कोई भी रिकॉर्ड को चेंज करना, एडिट करना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपडेट सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक टेबल नीचे दिया हुआ है, इसका नाम स्टूडेंट, इसमें 5 रिकॉर्ड्स हैं S1 S2 S3 S4 S5, उनका एस नेम है, उनका क्लास है, उनका सेक्शन है, उसका मार्क्स हैं। अगर मैं इसमें फॉर एग्जाम्पल बिल्किस की जगह हिना लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँ, अपडेट स्टूडेंट सेट एस नेम इक्वल टू हिना, यानी एस नेम के नीचे हिना लिखो कहाँ पर, SN इज इक्वल टू S5 के सामने, S5 के सामने जहाँ एस नेम के नीचे बिल्किस है वहाँ हिना लिखो, इसका मकसद है, इसका मीनिंग है। और जब मैं ये कमांड लिखूँ तो मुझे जो नया टेबल बनेगा वो ऐसा होगा, उसमें ये बिल्किस की जगह हिना आएगा। इसी तरह अगर मुझे कोई इसमें एक और रिकॉर्ड ऐड करना है, किस में, इसी टेबल में ऊपर वाले टेबल जिसमें बिल्किस है, इसमें कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है,
तो मैं उसके लिए इंसर्ट इस्तेमाल करता हूँ, इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ यहाँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में ऐड करो वैल्यूज, क्या वैल्यू एस से कि साइमा 11 कामा ए का 490, तो उससे क्या होगा एक और रिकॉर्ड ऐड होगा हमारी डेटा बेस में, हमारे टेबल में वो नीचे आएगा, एस सिक्स आएगा पहले, फिर साइमा आ गया, फिर 11 आ गया, फिर ए आ गया, फिर 490 आ गया। ठीक है, तो इससे हम किसी भी डेटाबेस में वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अपडेट के लिए अपडेट सेट कमांड है और नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हमारे पास इंसर्ट कमांड है, इंसर्ट इनटू कमांड है इसके। ओके, समझ आया कुछ? हम कौन सी कमांड इस्तेमाल करते हैं अगर हमें वैल्यू अपडेट करना होगा? अपडेट सेट, और कोई हमें कोई ऐड करना होगा, कोई रो इसमें कोई रिकॉर्ड ऐड करना होगा, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? इंसर्ट इनटू कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आपके पास ये नोट्स हैं डीबीएमएस के? मैं डालूंगा अभी ग्रुप में डीबीएमएस के नोट्स, आप इसको पढ़िए और कल मुझे बताइए कहाँ आपको समझ नहीं आया। ठीक है, कल मुझे बताइए जहाँ आपको समझ नहीं आया, मैं बताऊंगा आपको कहाँ क्या नहीं समझ आ गया और कहाँ मैं आपको समझाऊंगा दोबारा। अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज। हाँ जश्न बोल।